प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है, जहां सेवा के कई अनेकों काम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता के तमाम कार्य किए जा रहे हैं, रक्तदान शिविर लगाए जा रहे हैं, संगोष्ठियाँ की जा रही हैं और उनके द्वारा किए गए काम की चर्चा भी की जा रही है। इससे हर क्षेत्र के लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री का जी का जन्म दिवस उत्तराखंड के अंदर पूरे सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जा रहा है, जहां आज से सेवा के अनेकों काम प्रारंभ हो रहे हैं। कहीं रक्तदान हो रहा है, कहीं सफाई के काम हो रहे हैं, कहीं संगोष्ठियां हो रही हैं, कहीं उनके द्वारा किए हुए कामों पर चर्चा हो रही है। हर क्षेत्र में लोगों के अंदर एक अपार उत्साह है। लगातार लोग जो है स्वयं प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस का इंतजार कर रहे थे। आज इंतजार की घड़ियाँ पूरी हुई और वैसे भी उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाया है। भारत को एक नई पहचान देने का काम किया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की करिकुलम को लेकर जो आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आज पूरा देश आगे बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत की अलग तरीके से पहचान बढ़ी है। भारत आज विश्व पटल पर एक शक्तिमान भारत के रूप में, एक शक्तिशाली भारत के रूप में, एक समृद्ध भारत के रूप में, एक समरस भारत के रूप में आ गया है। और 2014 से पहले का भारत, जो निराशा के भाव में डूबा हुआ भारत था, उसको आशा और चारों ओर से उमंग की ओर लाने का काम किसी ने किया है तो उनके कुशल नेतृत्व में हुआ है। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वो दीर्घायु हों और उनका नेतृत्व हमें लंबे समय तक प्राप्त हो, वो स्वस्थ रहें और ऐसे ही भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान लगातार बढ़ाते रहें। उनको जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।